Nice. This is Omkar Sen. You are most welcome to my YouTube channel, The OK Miracle of English. आज मेहनत करते रहिए, मेहनत ही वरना सीखिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इस महत्वपूर्ण सेशन के साथ आज हम उपस्थित हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जो कि स्पेशल रूल्स के अंतर्गत आज तीसरा पार्ट हम लेकर उपस्थित हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करेंगे, अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने मित्रों को, अपने प्रेमियों को लाइक शेयर करें और कराएं। थैंक्स फॉर डूइंग दिस ग्रेट वर्क। लेट्स बिगिन टूडे सेशन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस स्पेशल रूल्स पार्ट 3। गाइस, स्पेशल रूल्स में होता कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ होता है। छोटी छोटी चीजों को हमें ध्यान में रखना होता है, बाकी सब हम जानते हैं कि वही लगभग पैसिव के रूल हैं कि पैसिव विदाउट थर्ड फॉर्म हम नहीं बना सकते। वी थर्ड तो आना ही आना है, पैसिव तो किसी भी रूप में वी थर्ड आना ही आना है, ये मानिए आप, लेकिन थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। तो आज जो हमारा ए पार्ट में हम लेकर हैं, देखिए पहले एग्जाम्पल देखिए, बाद में फॉर्मूला देखना है आपके लिए। किस आधार पर सेंटेंस दिया होगा? सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव ऑब्जेक्ट, मतलब इस तरह से होगा सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, अर्थात इस वर्ब का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, फिर इन्फिनिटिव होगा, उसके बाद इन्फिनिटिव वर्ब का भी ऑब्जेक्ट होगा। इस स्ट्रक्चर आधार, मतलब जब दिए हुए सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव पुनः इन्फिनिटिव ऑब्जेक्ट दिया जाए, तब हम इस रूल्स इन रूल्स का पालन करेंगे। तो सबसे पहले हम जो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट और वर्ब है, दो पार्ट में बटा हुआ है, दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, दो ही वर्ब में देखा जाए, क्योंकि ये नॉन फाइनाइट वर्ब के रूप में इन्फिनिटिव यूज होता है। तो हमारा जो फर्स्ट सब्जेक्ट और वर्ब है, इसमें कोई चेंजिंग हम नहीं करेंगे, नंबर वन। दूसरा, जो हमारा इन्फाइनाइट वर्ब का ऑब्जेक्ट है, उसे हम वर्ब जो हमारा फर्स्ट वर्ब है इसके तुरंत बाद यूज करेंगे, फिर उसके बाद हम टू बी प्लस बी थर्ड का यूज करेंगे। इन्फिनिटिव को टू बी प्लस बी थर्ड में चेंज कर देंगे। अगर आवश्यकता होगी तो बाई प्लस ऑब्जेक्ट, अर्थात ऑब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ब, इस क्रिया के बाद जो ऑब्जेक्ट दिया है, अगर जरूरत है लगाने की तो बाई प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में रखेंगे। अगर ऐसे ही अर्थ निकल रहा है तो हमें लगाने की आवश्यकता नहीं है। फिर अदरवर्स तो हमारा स्ट्रक्चर बनकर तैयार हुआ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट? जो इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर वही ऑब्जेक्ट आएगा। फिर टू बी इन्फिनिटिव को टू बी प्लस वी थर्ड में चेंज कर देंगे। फिर बाई और फिर ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट? ये फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट, इसमें थोड़ा सोचना है, ध्यान देना है इसमें। फिर अगर आवश्यकता हो तो लगाएंगे, अगर इसके बगैर हमारा काम चल रहा है और ऐसे ही निकल रहा है तो लगाने की जरूरत नहीं है। तो गाइस, फर्स्ट सेंटेंस हमारा, सी लाइक्स रोहित टू टीच संस्कृत। सी लाइक्स, वह चाहती है, पसंद करती है रोहित के लिए टू टीच पढ़ाना संस्कृत, अर्थात रोहित के द्वारा या रोहित का संस्कृत पढ़ाना उसे पसंद है, मतलब रोहित का संस्कृत पढ़ाना वह पसंद करती है। तो वह पसंद करती है, देखिए हिंदी मीनिंग में भी आप बना सकते हैं, वह पसंद करती है क्या करना? रोहित के द्वारा संस्कृत पढ़ाया जाना। इस तरह से हम पैसिव में से चेंज कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले क्या करेंगे, सी हम लग देंगे, फिर हमारा लाइक्स, अर्थात फर्स्ट वर्ब में कोई चेंजिंग हम नहीं करेंगे, सी लाइक्स हमने नोट कर लिया। अब ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट? इन्फिनिटिव ऑब्जेक्ट, जो इन्फिनिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट दिया है या टू प्लस वी वन का ऑब्जेक्ट, इसको हम लेके आएंगे। जैसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान बदलते हैं, जैसे मानिए
हमारा सेंटेंस यहां से मान लो, रोहित टू टीच संस्कृत। अब यहां देखिए मेन वर्ब नहीं है, ना ऑग्जिलरी है, तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं माना जा सकता। तो ऐसे समझिए कि हमारा ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये समझ लीजिए। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान बदलते हैं, वही हम करते हैं। इतना पार्ट में कोई चेंज नहीं, जैसे मानो ये एक्स्ट्रा दिया हुआ है, अपने दिमाग में समझना है, सपोज करना उसके लिए। तो हम जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कौन सा होगा, ये वाला आएगा। तो संस्कृत की स्पेलिंग थोड़ा सा संस्कृत कर लीजिए, तो सी लाइक संस्कृत। अब क्या करेंगे, टू बी टॉट। अब देखिए ऑब्जेक्ट आ गया, टू बी आ गया, वी थर्ड आ गया, टू बी टॉट। अब बाई प्लस ऑब्जेक्ट फर्स्ट वर्ब, तो ये वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट, ये भी सेकंड वर्ब हमारी देखी जाए तो इसका तो आ चुका है। अब ऑब्जेक्ट बनाना लिखते हैं कि नी ऑब्जेक्ट से पूर्व बाई लगाते, वही रूल हम अपना रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर बाई की आवश्यकता है क्योंकि नाम दिया है, नाउन दिया है मोस्टली, और नाउन हो तो बिना लगाए अर्थ इसका नहीं निकल सकता। तो बाई रोहित, सेंटेंस हमारा पैसे बन तैयार हुआ, सी लाइक संस्कृत टू वी टॉट बाई रोहित। ये आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए गाइस, ही वांट्स पीपल टू रेस्पेक्ट हिम। बड़े मजेदार सेंटेंस, इस तरह का सेंटेंस परीक्षा में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए मोस्टली इनमें जो वर्ब दिया होते लाइक वांट का ही प्रयोग होता है मोस्टली, ये भी ध्यान रखिए, यही दो तीन वर्ब मिलती हैं आपको। तो हम इसे कैसे बनाएंगे, ही वांट्स। अब देखिए ये बड़ा कड़ा सेंटेंस है। अब हमने क्रिया, क्रिया का क्या ऑब्जेक्ट रखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट है हिम, तो हिम लाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट हमारा ही ऑलरेडी हो गया, और ऑब्जेक्ट किसके लिए, ही वांट्स, वह चाहता पीपल, लोगों से, टू रेस्पेक्ट हिम, उसका स्वागत करना, अर्थात वह लोगों से अपना स्वागत करना चाहता है, लोगों के द्वारा ये चाहता है कि लोग उसका स्वागत करें। तो यहां पर उसका शब्द की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, और इसके बाद ही अब्द के, उसकी कोई हमें आवश्यकता इस ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट आ गया, यही वर्क पूरा यही मीनिंग दे देगा हमारे लिए। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं, फिर क्या लगाएंगे, टू, फिर लगाएंगे बी, अब थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी हमारी, रेस्पेक्टेड। दोबारा ध्यान दीजिए, ही वांट्स पीपल टू रेस्पेक्ट हिम। अब इसमें वो अपने लिए ही कह रहा है, वह चाह रहा है, वह चाहता है कि उसका लोग सम्मान करें, वह चाहता है कि उसका लोगों द्वारा सम्मान किया जाए, वह अपना सम्मान कराना चाहता है, उसका सम्मान किया जाए, उसकी चाहत है कि उसका सम्मान किया जाए, बस इतना ही हमारा अर्थ निकल गया। अब लोग ही सम्मान करेंगे, तो बिना बाई लगाए हमारा अर्थ पूरा हो सकता है, कोई बाई लगाने की जरूरत आपके लिए नहीं है। पीपल है, संबन है, कभी कभार देम आ जाता है, दे आ जाता है, तो उसको भी हम अवॉइड कर देते हैं बिना बाई के अर्थ पूरा। ही वांट्स टू बी रेस्पेक्टेड, बस इतने ही सेंटेंस से हमारा अर्थ क्लियर हो गया, इसमें बाई पीपल लगाने की जरूरत आपको नहीं। ओके गाइस, ये आपके समझ में आ गए। रीना लाइक समवन टू सिंग ए ब्यूटीफुल सॉन्ग, तो हम बनाएंगे रीना लाइक सॉन्ग। अब देखिए इसका तो ऑब्जेक्ट ही है समवन, अब टू सिंग इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट क्या है, ए ब्यूटीफुल सॉन्ग, तो हमारा ए ब्यूटीफुल सॉन्ग जो ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पर इस क्रिया का ऑब्जेक्ट बने, इस क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट ये रखा जाएगा, तो बन जाएगा ए ब्यूटीफुल सॉन्ग। क्या बनेगा गाइस, ए ब्यूटीफुल सॉन्ग। ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे हम, टू बी फिर थर्ड फॉर्म लगाएंगे संग। अब देखिए बाई
ऑब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ब, तो ऑब्जेक्ट का काम सम्मन कर रहा है, तो बाई सम्मन लगाने की जरूरत नहीं है, सम्मन हो तो कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब है किसी के द्वारा, ही लाइक सम्मन टू सिंग ए ब्यूटीफुल सॉन्ग, वह किसी के द्वारा एक सुंदर गीत गवाना या गाया जाना पसंद करती है। तो अर्थात सी लाइक सी ब्यूटीफुल सॉन्ग, वह पसंद करती है कि एक सुंदर सॉन्ग टू बी संग गाया जाए, मतलब उसकी इच्छा है कि एक सुंदर सॉन्ग को गाया जाए। तो कौन गाएगा? सम्मन कोई भी गा सकता है। तो यहाँ सम्मन वाई सम्मन लगाने की जरूरत हमें नहीं है, बिना वाई लगाए ही हमारा सेंटेंस का अर्थ पूरा है। तो यहाँ पर हम वाई प्लस ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करें। ये आपके समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसे हम रफ कर देते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान देना है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, एक दूसरा पार्ट हम इसमें लेकर आए हैं, वो तो एक जंगल में ही आते हैं, लेकिन फिर भी स्पेशल में डाल रखा है हमने उसे, क्योंकि उसके थोड़े से जंगल के आधार पर थोड़ा हट करके हैं। बी पार्ट ले सकते हैं, बी बना लें इसके लिए दूसरा पार्ट। देखिए, जब हमारे सेंटेंस एग्जाम्पल हम देते हैं, फिर बनाएंगे फॉर्मूले। दूसरा सेंटेंस है, पहले ने दो ही देख लेते हैं। देखिए, व्हाट से या हाउ मैनी या हाउ मच से सेंटेंस प्रारंभ हो, व्हाट हाउ मैनी या हाउ मच से सेंटेंस प्रारंभ हो, तो हम क्या करते हैं, किसी भी टेंस में हो सकता है। मैंने कोई खास टेंस विशेष की बात नहीं की है, दो सेंटेंस ये प्रेजेंट में दे दिया, इंडेफिनिट में ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दे दिया है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले व्हाट और हाउ मैनी या हाउ मच का प्रयोग करते हैं। दूसरा, हाउ मैनी या हाउ मच के बाद जो नाउन होता है वो उसके साथ में रहता है ऐसा, और ये आपका ऑब्जेक्ट का काम भी करता है। हाउ मैनी हाउ मच प्लस नाउन सेंटेंस में इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ साथ ऑब्जेक्ट का काम भी करता है। जिस प्रकार हु सेंटेंस में इंट्रोगेटिव शब्द के साथ साथ सब्जेक्ट का वर्क करता है, उसी प्रकार व्हाट और हाउ मैनी या हाउ मच प्लस नाउन किसी सेंटेंस के ऑब्जेक्ट का वर्क भी करता है। क्योंकि हमारा नियम है, जब पैसे बनाते हैं तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान बदल देते हैं। देखिए, इसमें दिया व्हाट डज सी सिंग, वह क्या गाती है, हाउ मैनी बुक्स आर दे बाइंग, वे कितनी किताबें खरीद रहे हैं, तो खरीद रहे हैं कितनी किताबें, एक सेंस ऑब्जेक्ट का लेकर भी बैठा रहता है। तो इसका जो फॉर्मेट बनाएंगे, ये कैसे बनाएंगे, व्हाट ओब्लिक हाउ मैनी, अगर हाउ मैनी दिया तो हाउ मैनी लिख दीजिए, हाउ मैनी ओब्लिक हाउ मच, हाउ मच, हाउ मैनी प्लस नाउन ये भी रखिए, प्लस हाउ मच, इसके साथ भी नाउन रहता है, प्लस वर्ब, प्लस एमबी की थर्ड फॉर्म एचबी, प्लस एमबी थर्ड फॉर्म, प्लस वाई, प्लस न्यू ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड, ये हमारा ओल्ड फॉर्मूला है।
तो अब देखिए व्हाट डज सी सी, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम पढ़ा चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जाएंगे क्या करते हैं हम, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट किस तरह बदलते हैं, वही क्रम है। तो व्हाट दिया है, हाउ मेनी दिया हो, हाउ मच दिया हो, इन्हें रखेंगे। उसमें दिया है व्हाट, तो व्हाट को सबसे पहले ले लीजिए हमने, ओके। तो यहां तक हमारा कवर हो गया, और नाउन लिखेंगे, मैंने नाउन कर दिया है, नाउन साथ में। तो व्हाट आ गया हमारा, फिर क्या हेल्पिंग वर्ब। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब पैसिव बनाते हैं तो इसे हम आर का प्रयोग करते हैं, तो व्हाट इज क्या हो जाएगा, इज। अब एम बी की थर्ड फॉर्म क्या होगी, मेन वर्ब की सिंग होगी सम, व्हाट इज सम बाई सी का ऑब्जेक्ट किस हो जाएगा, हर, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, ये हमारा पैसे बनेगा, व्हाट इज संग वाई हर। तो ये थोड़ा सा स्पेशल है अपने आप में, इसलिए हमने सिचुएशन में डाल रखा है। किसी भी टेंस का हो व्हाट लगाइए सबसे पहले, फिर उस टेंस का जो पैसे में सहायक क्रिया यूज होती है उसका प्रयोग करिए, फिर एमबी की थर्ड फॉर्म लगाइए, फिर बाई लगा के जो हमारा सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, सेंटेंस हमारा पैसे बन जाएगा। अब इसमें दिया हाउ मैनी बुक्स आर देयर, आर दे बाइंग, तो इसको कैसे बनाएंगे, हाउ मैनी, हाउ मैनी बुक्स, हाउ मैनी बुक्स। अब ये क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है, इज एम आर के साथ बीइंग लगाते हैं, क्या लगाते हैं, इज एम आर के साथ बीइंग लगाते हैं, तो हाउ मैनी बुक्स आर, और सी है काउंटेबल नाउन है बीइंग, फिर थर्ड फॉर्म बन जाएगी बॉट, क्या बनाएंगे बेटा, बॉट बाई दे का हो जाएगा देम। क्वेश्चन हाउ मैनी बुक्स, हाउ मैनी ले लिया हमने, फिर नाउन आ गया, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस एग्जाम आर का प्रयोग करते हैं, तो आर आ गया, जैसे मान लो ये नया सब्जेक्ट वर्क बन गया आपका, ये समझ लो, फिर बी लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ओके, ये आपके समझ में आ गया होगा। अब हाउ मच की बात करें, हाउ मच का सेंटेंस दिख रही, हाउ मच, हाउ मच के साथ क्या था, अनकाउंटेड नाउन आता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। तीसरा अकाउंट देखिए, हाउ मच सुगर डेड सी ईट, ये पास्ट का हाउ मच सुगर डेड सी ईट, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम साइक क्रिया वाचवर्ब का प्रयोग करते हैं पैसिव बनाने में, तो इसका पैसिव बन जाएगा हाउ मच सुगर, ये तो पूरा लेंगे हम क्योंकि हाउ मच प्लस नाउन पूरा लिया जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये सिंगुलर में माना जाता है, इसके साथ क्या लगाएंगे वाज, हाउ मच सुगर वाज, तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ईटन बाई सी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, हाउ मच सुगर वाज ईटन बाई हर, तो इस तरह से सेंटेंस को आप आसानी से बना सकते हैं, ये आपके समझ में आ गया होगा। चलिए उम्मीद है आप एक एक चीज को समझ रहे होंगे, तो दो तीन सेंटेंस हम यहां लिख देते हैं जिन्हें आपको बनाना है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमें नॉलेज हासिल नहीं हो सकती। चेक योर नॉलेज, फर्स्ट सेंटेंस है व्हाट हैज सी डन, दूसरा देख लीजिए हाउ मैनी स्टूडेंट्स will
टेल ए स्टोरी। दूसरा तीसरा देखिए, हाउ मच मिल्क बॉल ही सेलिंग, हाउ मच मिल्क वाज ही सेलिंग। तीन सेंटेंस है, इनको पैसे में बदलना है और कमेंट बॉक्स में इनका आपको रेस्पॉन्स देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।